हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुपमा ब्यूटोपिया में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को एक ऐसी अमेजिंग रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसका इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपकी स्किन बेहद सॉली है या चेहरे पर डेड स्किन आ गए हैं, आपका चेहरा पहले फेयर था और अभी डन सा लगता है, तो इस रेमेडी को अगर आप कंटिन्यू 10 से 15 दिन लगा लिए तो फ्रेंड्स ऐसा निखार आपको दिखेगा जो कि आप महंगे महंगे क्रीम और महंगे महंगे फेशियल से नहीं पा सकते हो। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है, बिल्कुल आसानी से हर कोई बना सकता है, सबके घर में वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो यहाँ पर मैं इस्तेमाल की हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 2 चम्मच चावल का आटा, राइस फ्लोर। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इमेजिंग फेस पैक है। इसे अगर आप अपनी स्किन पर लगाते हो तो आपके चेहरे को ब्राइट करता है, चेहरे को डीपली मॉइस्चराइज करता है। और इसमें आपको मिलाना है कर्ड यानी दही। फ्रेंड्स, दही जो होता है विटामिन सी लैक्टिव एसिड से भरपूर होता है, स्किन के डेड स्किन को रिमूव करता है, चेहरे पर दाग धब्बों को रिमूव करता है। और ये जो चावल का आटा है ये आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है। अगर आप कंटिन्यू इसे 10 से 15 दिन रेगुलर इस फेस पैक को लगा दिया तो फ्रेंड्स आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा गोरा और निखरा हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर मैं आपको लेमन दिखा रही हूँ, तो फ्रेंड्स इसको मैं यूज नहीं करने वाली हूँ, बस आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इतना लेमन यूज कर लीजिएगा, हाफ से थोड़ा कम। अगर आपकी स्किन ड्राई या सेंसिटिव है तो आप लेमन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लेमन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। जैसे ही आप अपने चेहरे पर लगाओगे और इसे रिमूव करोगे तो आपकी स्किन पर जान आ जाएगी, आपकी स्किन में बहुत ही अच्छी सी चमक दिखेगी। तो चलिए, हम यहाँ पर क्लीन चेहरे पर लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेना है, यहाँ तक कि आप फेस वाश से भी क्लीन कर सकते हो फेस पैक लगाने से पहले। और लगाने के बाद जब आप क्लीन करोगे तो आपको कोई भी फेस वाश स्वाप नहीं यूज करना है। तो आप खुद ही देख सकते हो फ्रेंड्स अभी हमारी स्किन कैसी है। और अभी जब हम इस पैक को रिमूव करेंगे फिर आपको स्किन में बहुत ही ज़्यादा फर्क दिखेगा। एक ही बार लगाने पर आपको फ़र्क दिखेगा कि आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छा सा निखार और चमक दिखेगा। तो अगर आप इसे 10 दिन लगा लिए कंटिन्यू तो आप सोच ही सकते हैं कि फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा सा आपको ग्लो और निखार दिखेगा। आपके चेहरे की स्किन डेड हो गई है, बहुत ही ज़्यादा मुरझाई सी रहती है स्किन पर, बहुत ही ज़्यादा बेकार से काली परत जैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने चेहरे को वॉश कर लिया है, चेहरे पर बहुत ही अच्छी सी चमक दिख रही थी, चेहरा काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी दिख रहा था पहले की अपेक्षा। तो फ्रेंड्स, इसे आपको 15 मिनट तक रखना है। पहले जब आप चेहरे पर लगाओगे तो हल्का मसाज कर लोगे, क्योंकि चावल का आटा दरदरा होता है तो उससे आपको स्क्रब भी हो जाएगा। और उसके बाद आप इसे पैक के रूप में अपने चेहरे पर लगा कर 15 मिनट के लिए रख लीजिएगा, उसके बाद फ्रेश वाटर से साफ कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस फेस पैक को आपको लगाना है। और आप इसे चाहे तो कंटिन्यू लगा सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और उसके बाद आप टोनर अप्लाई करते हो तो टोनर अप्लाई करें, नहीं अप्लाई करते हो टोनर तो आप रोज़ वाटर हो आपके पास तो आप रोज़ वाटर लगाइए, और उसके बाद सीरम या मॉइस्चराइज़र लगाइए। और इसी तरीके से आप दिन में कभी भी, आपको दिन में नहीं फुर्सत है तो आप नाइट में भी लगा सकते हो। नाइट में अगर लगाते हो तो और अच्छा, आपको दोगुना इफ़ेक्ट मिलेगा, क्योंकि नाइट में आपकी स्किन पूरी तरीके से रिलैक्स होती है। और नाइट में अगर आप इसे इस रेमेडी को अप्लाई करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दिन के हिसाब से अगर आप जैसे दिन में लगाते हो उसके हिसाब से नाइट में अगर आप लगाते हो तो इसका जो इफ़ेक्ट है दो गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये सीरम लगा लिया है फ्रेंड्स। तो जैसा कि बताया कि आप सीरम मॉइस्चराइज़र जो भी आप अपने चेहरे पर अप्लाई करते हो स्किन केयर में, ये नहीं है कि आपको इसके बाद कोई फेयरनेस क्रीम लगानी है या फाउंडेशन, सीसी क्रीम, बीबी क्रीम, ये सब बिल्कुल नहीं लगाना है फ्रेंड्स। बस जो हमारी स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं उसी को ही अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना है। और अगर ये सारे प्रोडक्ट नहीं है तो आप अपने चेहरे पर थोड़ा सा 2 से 3 ड्रॉप ऑयल लगा सकते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल हुआ, ऑलिव ऑयल हुआ या आलमंड ऑयल हुआ। तो इस तरीके का ऑयल भी आप अपने चेहरे पर लगा सकती हो, लास्ट में लगाकर आप मसाज कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।